सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम हायर एजुकेशन के अंदर स्वतंत्रता के बाद भारत में बनी कुछ शिक्षा समिति और आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं और जून 2019 और दिसंबर 2018 में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो इस वीडियो का पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि जून 2019 के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आए थे और किस तरह से हमें उनको करना है। तो आज इन आयोग और समितियों को करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC NET दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। इसे दोस्तों राधा कृष्ण आयोग भी कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ये UGC नहीं है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, UEC है। कई लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये UGC की बात कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये UEC की बात चल रही है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। इसमें देख लेते हैं क्या खास बात है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर क्या स्थिति है उनकी, उसकी रिपोर्ट देने के लिए राधा कृष्ण आयोग या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को नियुक्त किया गया था। यह क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। और यह क्या था दोस्तों, यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, यह चीज हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद कुछ इसके जो लक्ष्य जांच थी वो इस प्रकार है, वो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, उच्च शिक्षा के विषय में अपनी राय देना, उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना, तो यहाँ पे इनके कुछ जांच के स्तर थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के सभी। और आप चाहे तो इस वीडियो को अच्छे से ये पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें से शायद क्या पता कुछ आ जाए। उसके बाद सेकंड नंबर पे है दोस्तों हमारे पास मुदालियर शिक्षा आयोग। इसकी स्थापना 1952 के अंदर हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। और इस आयोग को दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ये हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इसकी स्थापना 23 सितंबर 1952 को हुई थी और इसने जो सुझाव दिए थे वो क्या दिए थे दोस्तों, इसने कहा था कि 4 या 5 वर्ष तक जो शिक्षा होनी चाहिए वो प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए और उसके बाद में सेकेंडरी शिक्षा को 2 भागों में बांटना चाहिए। और सबसे पहले इन्होंने MCQ क्वेश्चन के बारे में, MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में इन्होंने बात की थी। उसके बाद में संख्यात्मक अंक देने की बजाय सांकेतिक अंक देने के लिए इन्होंने सुझाव दिया था। और उसके बाद जैसे इन्होंने के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चाहिए, वो उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन होने चाहिए, माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के साथ संबंध होना चाहिए, ये इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों हमारे पास आता है डॉक्टर DS कोठारी आयोग। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। देखिए इसकी स्थापना सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना कि 1964 के अंदर हुई थी और इसके अंदर जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। इसका गठन दोस्तों स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस कोठारी आयोग, इसे दोस्तों कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज के सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। इस आयोग ने सबसे ज़्यादा फोकस किया था स्कूली शिक्षा के ऊपर दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है हमारे में। मैं आप आगे आपको दिखाऊँगा कि जून में इसमें से कैसे क्वेश्चन आया है। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। दोस्तों इसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। और यह भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था दोस्तों जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे, और मैं वीडियो में दिखाऊँगा आगे कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आए हैं। आगे बात करते दोस्तों हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार। 1992 में एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल, इसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था दोस्तों। एम बी बूच समिति साल 1989 के अंदर दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली शिक्षा समिति, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन पे जो सबसे पहली समिति बनी थी वो थी दोस्तों एम बी बूच समिति थी। और उसके बाद दोस्तों जी राम रेड्डी समिति सन 1992 के अंदर बनी थी, दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित परामर्श समिति थी। इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये क्या थी दोस्तों? सेंट्रल थी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी समिति थी जो दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति थी, ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास आती है वो है प्रोफेसर यशपाल समिति। 1992 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। इसकी जो मुख्य बातें थी वो क्या थी दोस्तों? समिति को इस बात पर विचार करना था कि शिक्षा के सभी सत्रों पर विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पड़ने वाले बोझ को कैसे कम किया जाए। ये देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया, ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा गया था कि शिक्षा के सभी सत्रों पर विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पड़ने वाले बोझ को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर विचार किया गया था। और ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसने क्या कहा था दोस्तों, यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई, आप यहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर मेन मेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं दोस्तों। समिति ने शिक्षा की तमाम मुश्किलों की जांच परख करते हुए लिखा, क्या लिखा वो हम देखते हैं। बच्चों के लिए स्कूली वस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है न समझ पाने का बोझ। ये देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूली वस्ते के बोझ से ज़्यादा कौन सा बोझ है? बच्चे के ना समझ पाने का बोझ, यानी कि बच्चे को अगर कुछ समझ में ही ना आए तो वो कितना बड़ा बोझ है। बस्ते का बोझ तो हैंडल कर सकता है जैसे तैसे करके, लेकिन ना समझ पाने का जो बोझ है वो बहुत बड़ा है। समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे को। और उसके बाद दोस्तों 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बनाने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। अब इसमें से भी क्वेश्चन आया दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, इस तरह से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया भी, इनकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे दी हुई है ब्लैक के अंदर, आप ये पढ़ लेना दोस्तों वीडियो रोक के। और उसके बाद में दोस्तों फिलहाल यही रूपरेखा हमारी स्कूली शिक्षा की मार्गदर्शक बनी हुई है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों नंबर 8 पे रामलाल पारेख समिति, यह समिति दोस्तों बीएड पत्राचार के लिए बनाई गई थी। उसके बाद 9 पे है प्रोफेसर खैरमा लिंग दोहस समिति, इसने दोस्तों पत्राचार बीएड अवधि 14 माह तय की गई थी इसके दौरान। और प्रोफेसर आर टकवाले समिति, इसमें क्या क्या कहा गया था? सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार में बीएड की बात कही गई थी। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है दोस्तों वो है हमारे पास राष्ट्रीय ज्ञान समिति, और इसे द नेशनल नॉलेज कमीशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2005 में हुई थी। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी, वो हमें बताना था, तो इस तरह से भी डायरेक्ट भी हमसे पूछ सकते हैं। तो इसकी जो मुख्य बातें थी वो हम देख लेते दोस्तों। शिक्षा अर्थात सूचना व ज्ञान कैसे सब लोगों तक सुलभ हो,
ज्ञान का संरक्षण कैसे हो, ज्ञान का विस्तार कैसे हो, वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तथा ज्ञान की गुणवत्ता कैसे बढ़े, इस आयोग का मुख्य उद्देश्य व कार्य थे। तो दोस्तों ये आ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में कि चार पांच लाइनें दे देंगे और कह देंगे निम्नलिखित में से ये कौन से आयोग के कार्य या उद्देश्य थे। तो ये हमें पता होना जरूरी है। राष्ट्रीय आयोग के कार्यों में शिक्षा के ऐसे स्वरूप को विकसित करना है जिसमें भारत की अमूल्य प्राचीन परंपरा व सांस्कृतिक धरोहर को सजोकर उसे नई पीढ़ी को सौंपा जा सके। अब देखिए इसके अंदर क्या कहा गया दोस्तों, इसमें ये कहा गया कि इसका जो एक और मुख्य उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, भारत की अमूल्य प्राचीन परंपरा व सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर उसे नई पीढ़ी को सौंपा जा सके, ये भी इसका एक मेन उद्देश्य था। तो ये चीज़ें हमें पता होना जरूरी है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ जरूर लेना। और इस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा व पेशेवर शिक्षा दो भागों में बांटने का सुझाव दिया था, ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद जो दोस्तों नंबर 12 पे जस्टिस जे एस वर्मा समिति आई थी 2012 के अंदर, शिक्षा की शिक्षकों की अक्षमता की समय समय पर जांच, यानी कि शिक्षक के अंदर कितनी एबिलिटी है उनकी जांच होनी चाहिए समय समय पर, ये इस जे एस वर्मा समिति ने कहा था। और फिर दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब ये देखिए ये 2017 के अंदर आई थी, इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। और इसका क्या कार्य था दोस्तों वो हम देख लेते हैं। इस समिति का गठन डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में हुआ था। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर देखते इस समिति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई थी। और इसके अंदर जो मेन मेन बातें वो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप वैसे पढ़ सकते हैं, यही चीज़ें हैं कि इसका गठन कब किया गया, किसने किया गया था, नॉर्मल बातें दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और प्रोफेसर डीपी सिंह ने एक ऐसे समग्र शिक्षा की ज़रूरत पर विशेष बल दिया जो आधुनिक ज्ञान और प्राचीन बुद्धिमत्ता के बीच समुचित संतुलन स्थापित कर सके। यानी कि इसने एक मुख्य बात क्या कही थी दोस्तों, हमारा आधुनिक ज्ञान जो है वो प्लस में प्राचीन बुद्धिमत्ता, उन दोनों को मिला के हमें अच्छी शिक्षा नीति अपनानी चाहिए। और उसके बाद में और भी कई चीज़ें थी, आप यहाँ पे पढ़ लेना, बिल्कुल आसान दिया हुआ है। और उसके बाद में दोस्तों एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम और देख लेते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है दोस्तों, इसके अंदर क्या कहा गया है। एच आर डी मिनिस्ट्री इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI विल विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस UGC एंड AICTE सून। इसके अंदर क्या कहा गया है दोस्तों कि जो UGC है और AICTE है, इन दोनों को ख़त्म करके एक कमीशन बना देना चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा है कि जो UGC है वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है और AICTE है ये भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही, तो इन दोनों को खत्म करके एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना देना चाहिए। अभी इस पे विचार चल रहा है दोस्तों, इस पे कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। तो दोस्तों नंबर 15 पर आते हैं हमारे पास, प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर इसको नई शिक्षा नीति 2019, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसमें हमारी एजुकेशन काफ़ी हद तक बदल जाएगी। इसके अंदर मुख्य रूप से चार भागों को सम्मिलित किया गया है। इसमें जो सबसे पहला भाग है इसके अंदर दोस्तों विद्यालय जो शिक्षा है उस पर ध्यान दिया गया है, दूसरे में उच्च शिक्षा, तीसरे में प्रौद्योगिकी यानी कि जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी उस पर बात की गई है, चौथे में व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो ध्यान दिया गया दोस्तों वो इस चीज़ पे दिया गया कि बच्चे की जिस चीज़ के अंदर रुचि है उसको उसी चीज़ के अंदर लेके जाना चाहिए, बच्चे की रुचि के अनुसार उसमें पढ़ाना चाहिए उसको। और इसके अंदर जो मुख्य रूप से क्या बात है दोस्तों, वर्ष 2025 तक 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क, सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता पूर्व और विकास के लिए उपयुक्त देखरेख और शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य है। और
इसके अंदर जो एक और मुख्य रूप से बात है वो है दोस्तों फॉर्मूला 5-3-3-4 का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमें समझना ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर क्या किया गया है दोस्तों, नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फॉर्मूले में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर क्या है हम देख लेते हैं। 5 साल का पहला जो चरण है दोस्तों वो 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए रखा गया है, इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। दूसरे चरण में दोस्तों 3 से 5 तथा 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए इसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। तीसरे चरण में दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक तथा 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है और इसे मिडिल स्टेज कहा गया है। चौथे चरण में दोस्तों 9वीं से 12वीं तक और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये रखा गया है, इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, शायद इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे भी एक बार देख लेना। अब देखते दोस्तों, अब हमारे कुछ क्वेश्चन आए थे जून 2019 में और दिसंबर 2018 में। देखिए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्ट में से किस रिपोर्ट का भाग है, ये हमें बताना है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ये किसका भाग है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारे DS कोठारी आयोग था, इसने क्या कहा था। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा इतिहास में आज तक की सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। और इसे देखिए, कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ये 1964 के अंदर आया था और यही उस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्ट में से किस एक रिपोर्ट का भाग है, वो हमें बताना है। इसमें जहाँ तक मेरा आइडिया है दोस्तों, वो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964 और 66। देखिए इसका आंसर, ऑफिशियल आंसर हमें नहीं पता है क्या होगा इसका, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर आपको इसका आंसर कुछ और लगता है तो वो आप हमें बता सकते हैं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी कमीशन रिपोर्ट डील विद ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, सभी तरह की एजुकेशन लेवल के बारे में किसने बात की थी दोस्तों, वो हमें बताना है। इसके अंदर दिया है ऑप्शन नंबर 3, कोठारी आयोग यानी कि कोठारी कमीशन। अब देखिए ये बात भी इसी के अंदर कही गई थी दोस्तों, कोठारी आयोग के अंदर की गई थी। आप एक बार दोबारा इसे पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से अपना जो आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, कोठारी कमीशन आएगा। इसका ऑफिशियल आंसर यही है दोस्तों, UGC का। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोनों के दोनों सेम है, ये हमारी पिक है यानी कि इमेज है और ये टाइप किया हुआ है। देखिए इसके अंदर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट फर्स्ट टुक सीरियस नोट ऑफ द प्रॉब्लम ब्रेन ड्रेन बाज। तो इसका आंसर दोस्तों इन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है, द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रही दोस्तों, एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो ये पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे। या तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डैश 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 होना था, या फिर ये होना था दैट कमीशन दैट फर्स्ट टुक सीरियस नोट ऑफ द प्रॉब्लम ब्रेन ड्रेन, यानी कि इन्होंने कमीशन का नाम तो यहीं पर दे दिया और फिर दोबारा ये कमीशन का नाम पूछ रहे, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई दोस्तों। लेकिन इसका जो आंसर है, ऑफिशियल सर यही है दोस्तों, द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा कैसा क्वेश्चन है, आगे है दोस्तों ये हमारा जून 2019 के अंदर आया था। द नेशनल नॉलेज कमीशन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग वाज एस्टेब्लाइज इन विच ईयर, ये हमें बताना है। ये हमें पता है दोस्तों, ये 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यहाँ पे हमने बात की थी, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और यही क्वेश्चन हमारा दोस्तों जून 2019 के अंदर आया था। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन
बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।